हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में, यानी कि जो शेयर कैपिटल है उसके भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो आज का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन क्लासिफिकेशन करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जो मैं अभी बताऊंगा। ये है कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013। उसमें शेड्यूल्स दे रखे हैं टोटल काफी सारे, जिसमें टोटल शेड्यूल जो है ना वो 7 है। टोटल कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल कितने हैं? 7। जैसे सेक्शंस होते हैं ना, धाराएं होती है, वो तो बहुत सारी है ना, लेकिन शेड्यूल कितने? ओनली 7 शेड्यूल है। उसमें है एक शेड्यूल नंबर 3, आपको बस वो याद रखना। तो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3। ये जो शेड्यूल नंबर 3 है, हिंदी में शेड्यूल को अनुसूची बोलते हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल नंबर 3 जो है, इसके 2 पार्ट है। ओके, जो शेड्यूल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है किसका? बैलेंस शीट का। और शेड्यूल नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है सर किसका? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। यानी कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी की बात कर रहे हैं बेटा, पार्टनरशिप की या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी जो होती है ना, वो फाइनल अकाउंट जब बनाती है ना, तो उसको 2 चीजें तो बनानी पड़ती है। एक हो गया आपका बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, एक बनाना पड़ता है उसको पीएनएल अकाउंट। लेकिन पीएनएल अकाउंट नहीं बनाती है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाती है। तो ये 2 चीजें हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वो कहां दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट के अंदर। तो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है। ऐसे कैसे पीएनएल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका फॉर्मेट बैलेंस शीट का। एक कंपनी की बैलेंस शीट बेटा ऐसे बनती है, अगर आपको पता नहीं हो तो सर हम 11th में बैलेंस शीट बनाते थे, जिसमें लायबिलिटी भी होती थी, एसेट होती थी, 2 साइड होती थी। बेटा वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए होती थी या पार्टनरशिप के लिए बनती है। जो कंपनीज होती है ना, उनकी बैलेंस शीट वैसे नहीं बनती है, उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से तैयार की जाती है। और इनके अंदर जो आइटम्स होते हैं वो थोड़ी सी चेंज होती है। पहले लायबिलिटी आती है, फिर एसेट्स आती है। यहाँ पर लायबिलिटी की टोटल होती है और नीचे एसेट्स की टोटल होती है, ठीक है? ओके, और ये रहा आपका फॉर्मेट किसका? ये फॉर्मेट आपके पीएनएल अकाउंट का। पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा है, लेकिन इसको अकाउंट बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते? ये स्टेटमेंट। ओके, चलिए आज की वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। सर आप तो बोल रहे थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्या बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर बैलेंस शीट को ध्यान से देखें, अगर आपको दिख रही है तो इस बैलेंस शीट में एक है, क्या है? शेयर होल्डर फंड, है ना? देखो इसमें ना इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर एक तो आती है शेयर कैपिटल और एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसा है? उसका क्लासिफिकेशन का फॉर्मेट तो ये रहा, मैं आपको बता रहा हूं इस फॉर्मेट में उसका क्लासिफिकेशन होता है। ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता है, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स के रूप में आता है। अगर आपको थोड़ा भारी लग रहा है कि सर आप ये क्या अजीब बातें कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं मेन पॉइंट भी आऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है वो कहीं ना कहीं इन बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जो आगे जाके आप जरूर पढ़ेंगे। आइए हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है? सबसे पहले आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, हिंदी में अधिकृत पूंजी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है आपकी इशूड कैपिटल, हिंदी में निर्गमित पूंजी बोलते हैं। थर्ड नंबर आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसको हिंदी में प्राथित पूंजी बोलते हैं। और फिर आती है आपकी फोर्थ नंबर पे कॉल्ड अप कैपिटल, जिसको मांगी गई पूंजी बोलते हैं। और फिर आती है पेड अप कैपिटल फिफ्थ नंबर पे, जिसको प्रदत्त पूंजी बोला जाता है। तो ये 5 जो मैंने पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन सब की डेफिनेशन दे रखी है। ये क्या होती है, ये कैपिटल इतनी तरह की क्यों होती है, इन सब की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2 कंपनीज एक्ट 2013। ओके, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और बताता हूँ ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी। ऑथोराइज कैपिटल जो होती है वो क्या होती है कि जब कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन ना करवाना बोलकर हम उसका इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन करना बोलते हैं, तो उस टाइम जो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करती है उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है एमओए का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है। तो उस एमओए के अंदर कंपनी ये बताती है कि कंपनी कितने शेयर इशू करेगी पब्लिक के अंदर और उससे उसको कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि कंपनी जो बनाई है आपको कितना फंड चाहिए।
और अगर आपने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने बता दिया कि मेरी जो ऑथोराइज कैपिटल है, ये वाला एग्जाम्पल सारी कैपिटल के अंदर मैं लूंगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई कंपनी बोलती है कि मेरी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो इस तरीके से है, मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगी और टोटल इक्विटी शेयर इशू करूंगी मैं 80,000, ओके, या मान लेते हैं 1,00,000 कर देते हैं अपन, ओके, 1,00,000 शेयर इशू करूंगी, एक शेयर है 10 रुपए का, तो मेरे को टोटल पैसे कितने आ जाएंगे, 10,00,000 रुपए। तो ये ऑथोराइज कैपिटल हो गए। अब कंपनी 10,00,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब 1,00,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती और 10,00,000 से ज्यादा कंपनी के पास कभी पैसे नहीं आएंगे उसकी पूरी लाइफ के अंदर। तो ये होती है ऑथोराइज कैपिटल, मतलब इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना ही फंड पब्लिक से ले सकती है, ओके। हाँ, अगर इसे ज्यादा करना चाहती है तो उसकी फिर अलग से उसको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अपने एमओए के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन आप इतना याद रखें कि इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती, ये होती है इसकी ऑथराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी। आइए हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी। अभी मैंने आपको बोला जैसे कि ऑथराइज कैपिटल अपनी कितनी थी, 1,00,000 शेयर और 10 रुपए का एक, और टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, 10,00,000 रुपए। लेकिन कंपनी क्या एक बार में सारा इशू थोड़ी करती है, कंपनी को अभी लगता है कि नहीं फ्यूचर में देखेंगे, अभी तो हम क्या करते हैं 80,000 शेयर इशू कर देते हैं, फ्यूचर में देखेंगे कि पीछे बचे हुए 20,000 शेयर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इशू करेंगे, रिजर्व के रूप में उसको रख सकती है ना। तो कंपनी ने क्या किया कि उसकी इशू कितना कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 शेयर, लेकिन उसने 80,000 ही इशू किए। निर्गमित पब्लिक में कितने किए, 80,000 लोगों से एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए मंगाई, 80,000 शेयर, 80,000 शेयर, 10 रुपए का, और टोटल रुपए कितने आएंगे, 8,00,000 रुपए। तो ये इशूड कैपिटल होती है। तो इशूड कैपिटल जो होती है वो ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट ही होती है, एक हिस्सा ही होती है, ओके। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्राथमिक पूंजी। कंपनी तो इशू करना चाहती है 80,000 शेयर और 10 रुपए के हिसाब से 8,00,000 रुपए लेना भी चाहती है, लेकिन लोग खरीदेंगे भी ना। अगर अच्छी कंपनी है तो हो सकता है एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ जाए, और अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो 80,000 भी खरीदने के लिए नहीं आए, वो हम बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं, वो कंपनी की गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी अगर अपनी कंपनी के शेयर इशू करें तो जितने इशू करना चाहते हैं लोग तो उससे ज्यादा खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन एक ऐरे घेरी कोई नत्थू कंपनी आ जाए जिसका कोई अता पता ही नहीं है, कोई उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, और वो आपसे कोई शेयर इशू करके आपको बोले कि हमारा शेयर खरीदोगे, तो पब्लिक शायद नहीं भी खरीदे। तो कंपनी की तो बड़ी इच्छा होती है कि मैं इतने शेयर इशू कर दूं, लेकिन सामने खरीदने वाले भी तो होते हैं ना, तो वो जरूरी है क्या 80,000 ही खरीद लेंगे? हाँ, मैं कंपनी बोल रही है 80,000 शेयर इशू करना चाहती हूँ, वो इशूड कैपिटल हो गई, 8,00,000 रुपए आएंगे, लेकिन लोग खरीदेंगे तो आएंगे ना। तो सब्सक्राइब्ड, आपने ना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, जैसे हर कोई सब्सक्राइब करता है क्या? नहीं, काफी लोग होते हैं जो वीडियो के मजे लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए ना इस कैपिटल की तरह, समझ में आ रहा है? देखो कुछ लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, हर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। अगर 1,00,000 व्यू आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है 10-15,000 लोग सब्सक्राइब करें, यही रेशियो होता है, यही एक्चुअल है, ठीक है। तो ऐसे कैसे जो 80,000 शेयर हैं वो इशू करना चाहती है, लेकिन पूरे के पूरे 80,000 लोग सब्सक्राइब थोड़ी कर लेंगे, कितने सब्सक्राइब करेंगे कोई कुछ नहीं बता सकता, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी कैपिटल लोग सब्सक्राइब करते हैं, जितने के लिए खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल प्राथमिक पूंजी, ओके। तो मान लेता हूं मैं यहां पर 80,000 इशू करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने कितने खरीद लिए, 78,000 शेयर जो है लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। कंपनी ने तो पूरा सोचा था 80,000 बिक जाएगी, लेकिन बिके कितने, 78। तो 78 इंटू 10 करेंगे तो 7,80,000 रुपए सब्सक्राइब कैपिटल हो गए। अब देखिए ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, 10,00,000, इशूड कैपिटल कितनी थी, 8,00,000, मतलब 10,00,000 तो पूरी लाइफ में, 8,00,000 अभी इशू करना चाहती है, लेकिन लोगों ने कितने खरीदे, 7,80,000। तो क्या आप कोई बोले सर ऐसा जरूरी है क्या ऐसा ही हो, नहीं कोई जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है ऑथराइज कैपिटल 10,00,000, कंपनी ने इशू भी कर दिए पूरे 10,00,000 रुपए की शेयर और लोगों ने खरीद भी लिए 10,00,000 की शेयर, तो ये तीनों सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ओके। ये हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बारी कॉल्ड अप कैपिटल की। कॉल्ड अप यानी मांगी गई पूंजी। कॉल्ड अप कैपिटल को समझने से पहले आप समझिए, देखिए अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से देखिए तो कंपनी लोग कितने 78,000 शेयर लोगों ने परचेज कर लिए, खरीद लिए। अब लोग 78,000 के हिसाब से कंपनी को 10 रुपए देंगे ना,
लेकिन कंपनी आपको पता है 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाती है, एप्लीकेशन एलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के हिसाब से मंगाती है, मतलब टुकड़ों में पैसे मंगाती है। अब कोई बोले सर जरूरी है क्या टुकड़ों में मंगाना, नहीं जरूरी नहीं है, एक साथ भी मंगा सकती है। लेकिन मान लेते हैं ना, काफी सारे क्वेश्चंस में आता है तो ऐसा ही तो होता है कि एप्लीकेशन पे मंगा लिए मान लेते 3 रुपए, अलॉटमेंट में मंगा लिए मान लेते 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए मान लेते 3 रुपए, टोटल हो गए 10 रुपए। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो कंपनी के आई गई, जब लोगों ने अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी तो आती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने अलॉटमेंट मनी भी मंगा ली, तो 3 रुपए एप्लीकेशन के 4 रुपए अलॉटमेंट के, कंपनी ने टोटल कितनी कॉल कर दी 7 रुपए। फर्स्ट कॉल की मनी अभी मंगानी बाकी है, अभी कंपनी ने कॉल्ड अप किया नहीं है, तो कंपनी की कॉल्ड अप जो शेयर कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, कंपनी की जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है वो हो जाएगी 78,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कॉल्ड अप कैपिटल होगी। नहीं सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पूरा मंगा दो, हम मंगा सकते हैं अगर कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप कर दिया है तो, मतलब एप्लीकेशन भी आ गई, अलॉटमेंट भी आ गई, फर्स्ट कॉल भी आ गई, सब मांग लिया, तो अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी 78,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, लोगों ने चुका दिए होंगे, फिर अलॉटमेंट भी मांगा होगा, फिर फर्स्ट कॉल भी मांगा होगा, जिसको हम कॉल्ड अप कहते हैं, तो मांगते तो है ना, लेकिन कोई हर कोई थोड़ी होता है, हर कोई थोड़ी देता है, काफी सारे बदमाश लोग भी होते हैं ना, सब अच्छे थोड़ी है दुनिया के अंदर, कुछ लोग बदमाश भी होंगे, कुछ लोग बेईमान भी होंगे, कुछ लोग धोखेबाज भी होंगे, है ना, अपन जैसा सोचते हैं वैसे दुनिया चलती है क्या, नहीं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर पेडर के अंदर ये होता है कि अपने पास 78,000 शेयर इशू किए ना, तो उसमें से मान लेते हैं कुछ शेयर होल्डर ऐसे है जिनसे कंपनी ने अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल मांगा लेकिन उन्होंने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, नहीं देना चाहते, अब क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, वो तो अलग बात है, वो बात की बात है कि उनसे कैसे पैसा निकलवाना है, अभी मांगा और नहीं दिया ना, नहीं दिया, तो इसका मतलब पेडअप पूरा नहीं है, जितना पैसा आना चाहिए था उतना आया नहीं। अच्छा सर, अब कोई बोले सर इसका मतलब 7,80,000 आने चाहिए थे और कुछ शेयर पे नहीं आए, और 7 लाख मान लेते हैं 60,000 रुपए आए, 7,60,000 ही आए, तो 20,000 जो है वो कौन हो गया, वो हो गया कॉल्स इन एरियर, इनके बकाया मांग, लोगों ने पैसे अभी दिए नहीं। लेकिन आप बोलेंगे सर नहीं हम तो मानते हैं, तो क्या बोलते हैं वो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब ईमानदार है, सब अच्छे लोग है, किसी ने भी कोई भी पैसा नहीं अपना जो है बोला नहीं है कि मैं नहीं चुकाऊंगा, मतलब कॉल्स इन एरियर नहीं है, सबने पैसा पे कर दिया, तो सबने पे कर दिया, तो ओके, तो यहाँ पर आपकी पेडअप कैपिटल फिर कितनी हो जाएगी, 7,78,000 मल्टीप्लाई कर दो 10 रुपए, तो 7,80,000 रुपए पेडअप हो जाएगी आपकी। तो कोई जरूरी नहीं है कि पेडअप निकालने के लिए आप ऐसा नहीं चुकाए, ऐसा नहीं है, हो सकता है आपकी जो ऑथोराइज कैपिटल है, जो आपकी इशूड कैपिटल है, जो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है, जो वर्ल्डअप है, जो पेडअप हो, सब सेम हो, क्योंकि 1 लाख शेयर इशू करना, 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, 1 लाख इशू कर दिए, 1 लाख लोगों ने खरीद भी लिए, 1 लाख मांग भी लिए, 1 लाख चुका भी दिए, तो पूरा 10-10 लाख हो जाएगा, वो फुली डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन ये क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्विक रिविजन करते हैं 2 मिनट का, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर उसका नहीं, शेड्यूल नंबर याद रखना है, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर, अनुसूची नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 1 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट नंबर 2 के अंदर किसका फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट का, उस बैलेंस शीट जो है उसके अंदर एक शेयर कैपिटल नाम का एक जो है आपका रिजर्व और शेयर कैपिटल नाम का एक हेड होता है, शेयर कैपिटल के हेड के अंदर कैपिटल को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफिकेशन किया, उसमें सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जिसको कंपनी लाइफ में इशू करना चाहती है, फिर होती है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का मतलब कितने शेयर इशू कर दिए हैं वो या करना चाहती है, फिर होती है सब्सक्राइब यानी कि लोगों ने कितना परचेज कर लिए शेयर, फिर होता है सब्सक्राइब के बाद में कॉल्ड अप यानी कि आप पर शेयर जो रुपए हैं वो सारे मंगा लिए हैं या कुछ बाकी है, अगर मंगा लिए हैं तो फुल कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप हो जाएगी, नहीं तो कुछ मंगाने बाकी है तो जितने मंगा दिए वो कॉल्ड अप हो जाएगा, और पेड अप का मतलब है हम तो मांगते रहेंगे लोगों को अब चुकाना जरूरी है ना, तो लोगों ने अगर फुली पेड कर दिया तो फुली पेड अप शेयर हो जाएगा, अगर फुली पेड नहीं किया तो पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है
और अगर आप चाहती हैं कि ऐसे और वीडियो बनाए ताकि आपका रिविजन भी हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो सबसे पहले भैया लाइक कीजिए। और ये जैसे कंपनी की शेयर कैपिटल लोग सब्सक्राइब करते हैं ना, खरीदते हैं ना, वैसे हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पैसे लग रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लगना, यहाँ उल्टा आना ही है आपको। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट करके भी जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।